हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए कुछ बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और इसमें मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग की कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी यदि आप ये पूरा वीडियो क्लास एंड तक देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए ताकि कम से कम टाइम में पूरी एक्यूरेसी के साथ आप इन क्वेश्चंस को कर सकें। देखिए, ये फिलर्स के क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर एक ये फिलर दिया है, एक सेंटेंस है, और आपको इसमें ये बताना है कि इन तीनों वर्ड्स में से कौन सा एक वर्ड, दो वर्ड या तीनों वर्ड यहाँ पर सूटेबली फिट हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, देखिए बैंकिंग क्वेश्चंस में केवल लॉजिकल रीजनिंग को आपको अप्लाई करना है क्योंकि सारे वर्ड्स सभी को नहीं आ सकते, लेकिन रीडिंग यदि आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट का आइडिया हो जाता है, और इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चंस बहुत सरल हैं, इसमें मैंने आगे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी लिए हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं रहना है। कभी कभी सरल क्वेश्चंस कठिन हो जाते हैं या गलत हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, वी आर अ लिटिल दैट द हियरिंग इन द टू केसेस हैव डिफरेंट डेट्स वेन देयर इज अ ज्यूडिशियल ऑर्डर ऑफ टेकिंग बोथ केसेस अप टुगेदर। मतलब ज्यूडिशियल ऑर्डर जो है वो ये है कि दोनों केसेस को साथ में उसकी हियरिंग होनी चाहिए, लेकिन दोनों केसेस की जो हियरिंग जो साथ में होनी चाहिए उनकी डेट्स अलग अलग दे दी है। तो इसमें यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, और जब कॉन्ट्रास्ट होता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहां पर केवल कंफ्यूजन वर्ड ही आ सकता है, या परेशान होने वाला एक ऐसा वर्ड आ सकता है जिससे आप परेशान हो या कंफ्यूज हो या परप्लेक्स हो। तो यहां पर परप्लेक्स वर्ड सही होगा। अब देखिए, अम्यूज, अम्यूज का मतलब होता है एंटरटेन करना, अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स में आप क्यों जाते हैं, एंटरटेनमेंट होने के लिए, एंटरटेन होने के लिए, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी का तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है यहां पर, तो यहां पर केवल परप्लेक्स्ड वर्ड ही सही हो सकता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा ओनली ए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इट वुड बी बेटर इफ दे कुड एटलीस्ट प्रोवाइड अस सम, प्रोवाइड अस सम, यानी यहां पर सम वॉट, सम के बाद यहां पर आपको एक नाउन चाहिए यहां पर, ठीक है। अब इन तीनों में से कौन सा वर्ड आ सकता है, इंश्योरेंस, एश्योरेंस एंड इम्पोर्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ दे कुड एटलीस्ट प्रोवाइड अस। देखिए, कोई व्यक्ति जब किसी किसी चीज को करने के लिए आपको एश्यूर करता है या एश्योरेंस देता है, तो व्यक्ति के सेंस में हम एश्योरेंस वर्ड को यूज करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस एक्चुअली बीमा होता है, जैसे LIC होती है, इसमें किसी की लाइफ का इंश्योरेंस होता है या किसी प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस होता है, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस वर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो यहां पर केवल एश्योरेंस वर्ड ही आ सकता है, ओनली सेकेंड, ठीक है। और इसमें आपका आंसर होगा बी, दैट इज ओनली सेकेंड। इट वुड बी बेटर इफ दे कुड एटलीस्ट प्रोवाइड अस सम एश्योरेंस एज टू व्हेन द बिल्स वुड बी पेड। ये अच्छा होगा यदि वो कम से कम हमें एश्योरेंस एक दे दें, एक आश्वासन दे दें कि कब तक बिल्स को पे किया जाएगा। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है, और यहां पर एक एक कनेक्टर आया है एस टू, एस टू का मतलब होता है रिगार्डिंग, ठीक है। वो एश्योरेंस दें किसके रिगार्डिंग, कि बिल्स को कब तक पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस टू है, काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है और कनेक्टर है, इसका मतलब होता है कि रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थर्ड हम देखते हैं। रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुड बी प्रोवाइडेड विदाउट एडवर्सली। अब देखिए यहां पर कुछ लॉजिक मैं आपको बताता हूं। देखिए, विदाउट जो है ये क्या है, विदाउट एक प्रपोजिशन है, यानी इसके बाद यहां पर आपको केवल ING फॉर्म का वर्ड ही चाहिए, ING फॉर्म का वर्ड यहां पर आ सकता है क्योंकि विदाउट एक प्रपोजिशन है। अब ING फॉर्म के वर्ड तो तीनों ही हैं इसमें, लेकिन कौन सा वर्ड यहां पर सही होगा। एक तो देखिए वर्ब यहां पर चाहिए क्योंकि यहां पर एडवर्ब दिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर वर्ब आएगी, तो इफेक्टिंग, एक्चुअली इफेक्ट जो होता है वो नाउन फॉर्म होता है, और नाउन फॉर्म में हम आईएनजी आईएनजी नहीं लगा सकते, किसी नाउन में हम आईएनजी नहीं लगाते,
जैसे हम अपने नाम में आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, तो इफेक्टिंग जो वर्ड है ये गलत है, अफेक्टिंग यहां पर आ सकता है, और अफेक्टिंग का इक्विवेलेंट है इन्फ्लुएंसिंग, अफेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग सेम ही वर्ड है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड यहां पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग को आपको अप्लाई करना है, और यदि आप रीडिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पर तो सारे वर्ड्स आपको आसानी से समझ में आएंगे। देखिए, साउथ वेस्ट मानसून इज ए डिटरमिनेंट ऑफ इंडियाज ओवरऑल। देखिए, इंडिया इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया के जो एग्रीकल्चर है, वो हैवीली डिपेंडेंट है मानसून पर, और मानसून यदि सही होता है तो एग्रीकल्चर पर फर्क पड़ता है, और एग्रीकल्चर यदि सही नहीं होता है तो डेफिनेटली उससे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अफेक्ट होती है, प्रॉस्पेरिटी उससे अफेक्ट होती है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून इज डिटर्मिनेंट, मतलब वो डिटर्मिन करता है, वो निश्चित करता है किसको, ओवरऑल मानसून को, और मानसून किसको डिटर्मिन करता है, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को, कि इकोनॉमी आगे बढ़ेगी या नहीं, जीडीपी ग्रो होगा कि नहीं, ठीक है। सिक्योरिटी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, रिचेज का मतलब होता है पैसा, धन संपत्ति, तो प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर चूंकि एक नाउन भी है, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, तो नाउन भी आएगा ओवरऑल के बाद, और प्रॉस्पेरिटी आपका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी सही है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो होगा आपका ओनली सेकंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। साउथ एशिया सपोर्ट्स हाफ ऑफ ग्लोबल लो बर्थ वेट बर्डन। बर्डन के साथ क्या आ सकता है, बर्डन के साथ, बर्डन को हम कैरी करते हैं, ठीक है, या बर्डन को हम बेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो बर्डन के लिए यहां पर सपोर्ट वर्ड आ सकता है, और बेयर यानी सहन करना, ये दोनों वर्ड आ सकते हैं, कीप्स नहीं आ सकता, क्योंकि कीप का मतलब होता है रखना, ठीक है। और कीप अप यदि होता तो कीप अप का मतलब भी सपोर्ट करना होता है, कीप अप यदि यहां पर होता तो ये सही होता, कीप अप, लेकिन बेयर्स का मतलब सहन करना, सपोर्ट का मतलब भी उसको उसको कैरी करना, सपोर्ट का कैरी के सेंस में यहां पर यूज हो सकता है, बेयर का मतलब सहन करना। तो यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड जो हैं ये आपका सही आंसर होगा, यानी बी इसमें आपका जो होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ योगा ले ग्रेट। देखिए, ले जो वर्ड है इसका मतलब है डालना, जोर डालना, एम्फेसिस डालना, तो ले के साथ हम नॉर्मली एम्फेसिस वर्ड ही लगाते हैं, ले एम्फेसिस, ठीक है। तो एम्फेसिस यहां पर आ गया, और योगा किसके ऊपर एम्फेसिस देता है, ब्रीदिंग के ऊपर, क्योंकि प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम एक वर्ड आया है, प्राणायाम ये कनेक्टेड होता है ब्रीदिंग से, इसमें ब्रीदिंग को ही सिखाया जाता है, तो एम्फेसिस एंड ब्रीदिंग वर्ड्स यहां पर आएंगे, बाकी सारे वर्ड्स इसमें सही नहीं है। और इस तरीके से आपको लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ ए रीजन और नेशन इज लार्जली डिपेंडेंट हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पर डिपेंडेंट का आपको सेंस चाहिए, लेकिन डिपेंडेंट के बाद तो हम बाय प्रपोजिशन लगाते हैं, यहाँ पर तो बाय लगा हुआ है, तो बाय के साथ यहाँ पर आ सकता है डिसाइडेड बाय, डिटर्मिंड बाय, गवर्न बाय, ये तीन आ सकते हैं इसमें, डिसाइडेड बाय यानी ए आ सकता है, और गवर्न बाय, डिटर्मिंड बाय, ठीक है। तो अब इन तीनों में से कौन सा यहां पर फाइनली आएगा, उसको उसके लिए आपको सेकेंड ऑप्शन को देखना पड़ेगा। द वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ ए रीजन और नेशन इज लार्जली डिपेंडेंट या डिसाइडेड बाय हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड द अवेलेबिलिटी फ्रॉम एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश कितनी होती है, उसका पानी कितना अवेलेबल है, इस पर वाटर अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। तो अवेलेबिलिटी फ्रॉम एनुअल प्रेसिपिटेशन, अब जो एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होता है वो कैसा होता है, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी होती है, यूजेबल पानी कितना है, ठीक है, और यूजेबल का इक्विवेलेंट है इसमें यूटिलाइजेबल, जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि फ्रेट का मतलब तो वजन होता है, तो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, लेसेंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बाकी सारे वर्ड देखिए बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं और गलत हैं,
तो यूजेबल का इक्विवेलेंट होगा यूटिलाइजेबल, और डिटरमिंड के, डिटरमिंड सही होगा क्योंकि डिटरमिंड के बाद हम लगाते हैं बाय, डिसाइडेड, डिटरमिंड और गवर्न, गवर्न तीनों के बाद ही हम बाय लगाते हैं, तो इसलिए इसमें इसमें आपका बी ऑप्शन जो हो है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट द रूलिंग बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए यहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी क्योंकि वॉट जो लेता है वो अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेता है, ठीक है। व्हाट द रूलिंग पार्टी बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इनेक्ट्स, इनेक्ट्स नहीं आएगा, एक्सप्लेन्स भी नहीं आएगा, गारंटीज आ सकता है, देखते हैं आगे इसमें। इज दैट शुड का मतलब यहां पर इफ है एक्चुअली, इफ पाकिस्तान डिसाइड टू रिट्राई जाधव, जाधव के बारे में आपको पता होगा यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो, पाकिस्तान डिसाइड टू रिट्राई जाधव द इंडियन नेवल ऑफिसर विल बी प्रॉपरली प्रॉपरली बाय इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल क्या करेगा जाधव को, वो रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि वो इंडिया का है। तो यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा रिप्रेजेंटेड, और रिप्रेजेंटेड के बाद हम बाय भी लगाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन काउंसिल, ठीक है। तो गारंटी वर्ड इसमें एकदम सही होगा, यानी सी इसमें आपका सही होगा। व्हाट द रूलिंग बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गारंटीज इज दैट इफ पाकिस्तान डिसाइड टू रिट्राई जाधव द इंडियन नेवल ऑफिसर विल बी प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन काउंसिल, मतलब इस चीज को गारंटी करता है कि पाकिस्तान यदि रिट्राई करता है जाधव को, तो इंडिया नेवल ऑफिस, इंडिया के जो नेवल ऑफिसर है जाधव, उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जाएगा इंडिया की तरफ से, ठीक है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गारंटी कर रहा है इस चीज को, गारंटी वर्ड यहां पर सही होगा, सी इसमें सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और देखते हैं ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। दे फियर दैट एनी ओरिजिनल थिंकिंग और नॉन कन्फर्मिस्ट इनिशिएटिव मे अट्रैक्ट एक्यूजेशन ऑफ। अब देखिए एक्यूजेशन जो है ये कैसा वर्ड है, एक्यूजेशन मतलब आरोप लगाना, क्या ये पॉजिटिव वर्ड है? नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये निगेटिव वर्ड है। तो एक्यूजेशन जो लगेगा वो किसी गलत चीज का एक्यूजेशन लगेगा, ठीक है। तो यहां पर एक निगेटिव वर्ड चाहिए, और निगेटिव वर्ड जो है वो तीन है इसमें, एक ट्रांसग्रेशन है जिसका मतलब होता है वायलेशन, मेलिफिसेंस है, और रॉन्ग डूइंग है, इन तीनों में से एक हो सकता है, इन तीनों में से लेकिन एक कौन सा होगा वो आपको आगे देखना पड़ेगा। मेकिंग पीएसयू मैनेजर्स शन रिस्क एंड स्टिक टू प्रोसीजर्स एंड, आप देखिए यहां पर प्रोसीजर का इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए यहां पर, क्योंकि प्रोसीजर का जब इक्विवेलेंट वर्ड होगा तभी आप उसको एंड से जोड़ पाएंगे, और प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स का इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स जिसको आप ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसा कोई भी मॉडल जिसको आप पहले यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर एंड प्रेसिडेंट इक्विवेलेंट वर्ड है, और प्रेसिडेंट के साथ मेलिफिसेंस आएगा जो कि एक नेगेटिव वर्ड है जो कि एक्यूजेशन के साथ पूरी तरीके से फिट होता है। देखिए यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग सिखा रहा हूं, ना मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूं, ना मैं सेंटेंस का मीनिंग बता रहा हूं, ना मैं सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूं, मैं केवल लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करना आपको बता रहा हूं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स में, ठीक है। तो मेलिफिसेंस एंड प्रेसिडेंट यहां पर आपका ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इंश्योरेंस लॉ हैज टू बी रिविजिटेड टू ऑल्सो इंश्योर दैट देयर इज ए गारंटेड। अब देखिए देयर इज ए गारंटेड, गारंटेड वोट, गारंटेड क्या है, गारंटेड एक एडजेक्टिव है, गारंटेड पेमेंट, ठीक है। तो यहां पर एडजेक्टिव है गारंटेड, इसलिए यहां पर आपको एक नाउन चाहिए। ऑफ पॉलिसीज मतलब इंश्योरेंस लॉ को रिविजिट करना चाहिए, उसको एक बार फिर से देखा जाना चाहिए ताकि क्या हो, पॉलिसीज का रिन्यूअल को गारंटीड, गारंटी किया जा सके, क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिसी जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, उनकी किस्तें, उनकी जो प्रीमियम से नहीं भरी जाती हैं। तो जो नए लॉ आने चाहिए इंश्योरेंस को, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि पॉलिसी जो है वो लैप्स ना हो, रिन्यू हो, जब लैप्स, जब रिन्यू होंगी तभी वो लैप्स नहीं होंगी। तो गारंटी किस चीज की देनी चाहिए, गारंटी देखिए सेकंड में क्या ऑप्शन दिया है, रिलैप्स, ठीक है। तो रिलैप्स वर्ड तो गलत होगा, रिन्यूअल वर्ड सही होगा, एंड
एज इज नो बार फॉर एंट्री एंड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड यूनिफॉर्मली कवर्ड, मतलब जो नए लॉ होने चाहिए उनको ये बताना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस ले सकता है, इसमें कोई एंट्री बार नहीं है, और उनको पॉलिसीज को रिन्यू कराना चाहिए। तो इसमें ए इसमें आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द एड टेक फर्म्स प्रोवाइड कैंपस रिक्रूट्स द रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म कॉन्टेंट असाइनमेंट इन प्रोजेक्ट वर्क इन देयर लास्ट ऑफ कॉलेज। कॉलेज का लास्ट क्या होता है? क्या वीक होगा, क्या मंथ होगा, क्या सेगमेंट होगा? नहीं, कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर की इसमें बात हो रही है, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो होती है सेमेस्टर्स में। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज टू इंश्योर दे आर प्रिपेयर्ड विथ प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड डिजिटल स्किल्स बिफोर दे ज्वाइन। मतलब कॉलेज से जो नए स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए और डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए। अब वो डिजिटल स्किल जो आनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? क्या वो पुरानी होनी चाहिए, क्या वो आउटडेटेड होनी चाहिए, या वो नई और ट्रेंडिंग होनी चाहिए? नई और ट्रेंडिंग जो डिजिटल स्किल्स हैं उनकी नॉलेज उनको होनी चाहिए, यानी इमर्जिंग ट्रेंड्स की नॉलेज उनको होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से मैंने लॉजिकल रीजनिंग को यहां पर अप्लाई किया, और बी इसमें आपका श्योर श्योर सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह की लॉजिकल रीजनिंग को यदि आप अप्लाई करते हैं तो कठिन से कठिन क्वेश्चंस को आप एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। देखिए कंटेंट दैट, कंटेंट सिंगुलर है, यहां पर वर्ब आएगी, वर्ब में एस एस वाली वर्ब चाहिए यहां पर आपको। ठीक है, कंटेंट्स दैट लीडर्स और ग्रुप ऑफ अपोजिट्स आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन फॉल्सहुड। फॉल्सहुड देखिए कीवर्ड है, मतलब ऐसा कंटेंट जो लीडर और ग्रुप को अपोजिट आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन फॉल्सहुड, यानी ऐसे लीडर्स की आइडियोलॉजी जो फॉल्सहुड पर बेस है उसको क्या करता है, वो आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए यदि आप डिस्पैरेज लगाएं तो डिस्पैरेज का मतलब होता है निंदा करना, और यदि आप लीडर्स की निंदा करते हैं तो उससे कम्युनल हारमोनी बढ़ेगी नहीं। डीपन्स यहाँ पर एक वर्ड दिया है, डीपन्स कम्युनल हारमोनी, हारमोनी नहीं बढ़ेगी इससे, इससे तो एक एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा लगा के हम देखते हैं, कॉन्टेंट दैट डेनीग्रेट्स, डेनीग्रेट्स का मतलब ही क्रिटिसाइज होता है। कॉन्टेंट दैट डेनीग्रेट लीडर्स और ग्रुप्स ऑफ द अपोजिट आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन फॉल्सहुड डीपन्स कम्युनल पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वर्ड सही है, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट जो फॉल्सहुड पर बेस है और ऐसे लीडर्स जिनकी फिलोसफी फॉल्सहुड पर बेस है उसकी यदि आप क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे क्या होगा, कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ेगा, जो कि सही है, और इनसाइट हेटरेड, उससे हेटरेड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो पोलराइजेशन और डेनीग्रेट्स दोनों ही वर्ड्स यहाँ पर सही है यदि आप लॉजिक लगाएं तो, और बी इसमें आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एफ सी एम्स टू सपोर्ट द महाराष्ट्र हाउसिंग डिपार्टमेंट टू स्केल अप ग्रीन अफोर्डेबल। चूंकि हाउसिंग की इसमें बात हो रही है तो इसमें एक्चुअली हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं, होम्स प्रोजेक्ट नहीं होते, तो फर्स्ट में हाउसिंग वर्ड ही आ सकता है, और जब हाउसिंग फर्स्ट में आएगा तो सेकंड में एनर्जी इंटेंसिव हाउसिंग यूनिट्स। एनर्जी इंटेंसिव हाउसिंग यूनिट्स मतलब जिनमें एनर्जी एफिशिएंसी का यूज हो, जिसमें एनर्जी कंजम्पशन कम हो, जैसे एलईडी का यूज हो, उसकी बात हो रही है इसमें, तो इसलिए हाउसिंग एंड इंटेंसिव इसमें सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टू डील विद द स्लो डाउन वी आर फोकसिंग ऑन ड्राइविंग वॉल्यूम ग्रोथ थ्रू न्यू प्रोजेक्ट। देखिए टू डील विद द स्लो डाउन, स्लो डाउन से डील करने के लिए, जो मंदी है उससे डील करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन ड्राइविंग वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ हो, ज़्यादा ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा टर्नओवर आए थ्रू न्यू प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या वर्ड है, कंज्यूमर ऑफर्स, तो कंज्यूमर ऑफर्स का इक्विवेलेंट क्या है जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ जुड़ सकता है? कंज्यूमर ऑफर्स का जस्ट इक्विवेलेंट क्या है? कंज्यूमर ऑफर्स का इक्विवेलेंट है प्रोडक्ट लॉन्चेस, क्योंकि ऑफर्स और लॉन्चेस एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लॉन्चेज वर्ड सही होगा, और लॉन्चेज यदि सही है सी में तो ऑल्टरनेट अपने आप इसमें सही हो जाएगा, ऑल्टरनेट चैनल्स, ये बिल्कुल सही है यहां पर। ठीक है, तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द मिनिस्टर्स वुड हैव इंस्पायर्ड ग्रेटर कॉन्फिडेंस हैड इंडिया टेकन इट्स ओन रूल्स और वेस्ट मैनेजमेंट
देखिए मिनिस्टर कुछ बोल रहा है लेकिन लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो खुद रूल्स को सीरियसली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आएगा मिनिस्टर्स क्लेम वुड हैव इंस्पायर्ड ग्रेटर कॉन्फिडेंस। मिनिस्टर का जो क्लेम है उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर जागता यदि उन्होंने रूल्स को अर्नेस्टली या सीरियसली लिया होता। तो यहां पर सीरियसली और क्लेम जो है ये सही वर्ड्स होंगे। तो ये है लॉजिकल रीजनिंग। इस तरीके से आप कठिन से कठिन क्वेश्चंस को आसानी से आप कर सकते हैं। यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक आप जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट आप जरूर करें, मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन दें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपके लिए अपलोड कर सकूँ और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपलोड कर सकूँ। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है जिसका नाम है englishiq.in। इस पर आप जाएँ, यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा वीडियो कोर्सेज के फॉर्म में, ई बुक्स के फॉर्म में और PDFs के फॉर्म में। यहाँ पर वोकेबलरी की सीरीज़ भी मैं चला रहा हूँ, englishiq.in। इस साइट पर आपको जाना है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिशियल कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।